उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आए तो दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री अखिलेश के सवालों का जवाब देते नजर आए। विधानसभा के दौरान सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश विधानसभा में संबोधन दिया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों ने भी अपने बयान दिया। इस दौरान क्या कुछ कहा मंत्रियों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दिग्गजों की जुबानी बोल, सपा के सवालों पर बीजेपी का पलटवार, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए थे आरोप, योगी सरकार के मंत्रियों ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। ओम प्रकाश ने विधानसभा में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रोफेसर राम गोपाल मिलने जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं तो यह कहा जाता है कि भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। हम दलित ओबीसी पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गए थे मुख्यमंत्री के साथ, साथ ही जातीय जनगणना को लेकर सपा को घेरा, कहा जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं करवाई। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे तलाक दे दिया गया, हमने कबूल कर लिया। कहा कि सपा ने अपनी सरकार में जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई, साथ ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की। इतना ज्ञान विपक्ष के पास है कि एक साल हो गया कभी विपक्ष के नेताओं को बड़े भाइयों ने बैठा करके सदन में क्या क्या करना कैसे चलना है एक भी बार, इस सब चार बार सदन चलते हो गया, एक बार भी एक घंटे का 10 मिनट का समय नहीं मिला। ये स्थिति है, ये सबक सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, ये सहूल सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को। हमारे वर्मा जी चले गए बैठे, एक वो जानकार है वो बताएंगे। और माननीय जातिवार जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं, 4 वर्ष इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खूब थी, तब याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी। कांग्रेस की सरकार थी, समर्थन में बसपा सपा दोनों थे, लेकिन हुआ क्या, जातिवार जनगणना के लिए पैसा नहीं माना गया। उधर तो डबल इंजन, इधर क्या सिंगल इंजन थी, डबल इंजन चल रही थी, तब आपको याद नहीं आया। और आज याद आ रहा है, जातिवार जनगणना होगी, सामाजिक न्याय का सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि फिर से समाजवादी पार्टी स्लॉटर हाउस चलाना चाहती है। आपको बता दें कि कल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि इन खुले जानवरों की वजह से लोगों की जाने जा रही है और सरकार इसके प्रति लापरवाह है। नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। हालांकि सरकार का इस पर जवाब आ गया था कि सरकार खुले पशुओं को लेकर गंभीर है और इन दुर्घटनाओं को और किसानों को नुकसान देखते हुए अधिक से अधिक गौशाला खोलने जा रही है। वहीं योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर के आरोप पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के सचेतक विधायक मनोज पांडे ने कहा कि जनहित पर चर्चा से सरकार भाग रही है और ऐसे आरोप लगाकर ध्यान भटकाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में किसानों के खेत को छुट्टा जानवर चर रही है, किसान पलायन कर रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आम आदमी परेशान है। किसानों के खेत को छुट्टा जानवर चर जा रहे हैं, किसान पलायन कर रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन किसान ने मजदूरी में पर्ची छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। बेरोजगार नौजवान आज कहीं ना कहीं वो डिग्री लेकर सड़कों पर टहल रहा है, उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सवाल है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, सरकार को इन जनहित के मुद्दों को सोचना चाहिए किसी बयान को देने से पहले, और एक ऐसा बजट लाकर के दिया है जिस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं, तो सरकार को पहले जनहित की बातों पर फिर बयान देना चाहिए। वहीं विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्रियों के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किसी गाय की गर्दन पर चाकू नहीं चलेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जहां भी कानून टूटेगा हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे।
तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए, जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के समय हमारी सरकार के समय वो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और उनको आश्रय स्थल पर रखा जा रहा है और हम गाय गौवंश के गर्दन पर झुंडी नहीं चलने देंगे और उनको छुट्टा भी ना घूमे, किसानों के फसल नुकसान ना हो, बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं, बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर एक पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं, उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे, पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे। वही बजट को लेकर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बजट भ्रमित करने वाला है, सरकार ने जो बातें कही उन्हें पूरा नहीं किया है। ना ही रोजगार मिला, ना ही महिलाओं के घर का बजट सुधरा, ना ही लड़कियों को स्कूटी दी गई। जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि जो भी संवैधानिक रूप से सही होगा वो सभी को मान्य होगा। और पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाला भाषण था। बजट में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नया कहा है। सरकार ने जो वायदे किए थे प्रदेश की जनता से 2022 जनमत उनके साथ हो सकता है, लोकतंत्र है, पर किसी भी तरह से उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है। चाहे वो महिलाओं की सिलेंडर की बात हो, चाहे वो लड़कियों की स्कूटी की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, या किसानों की आमदनी को पूरी तरह से अब ऐसे में बजट और आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, लेकिन सरकार भी अपनी तैयारी कर विपक्ष के हर सवाल का मजबूती के साथ जवाब दिया। लेकिन अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये जुबानी जंग कितनी और तेज होती है। लखनऊ से एमकेएन के लिए संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट।